हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋषभ और आज मैं लाया हूं आपके लिए एक और न्यू वीडियो C++ ग्राफिक्स पे। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप ताजमहल कैसे ड्रॉ कर सकते हैं C++ ग्राफिक्स में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैं कोड लिखा हूं। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ मिलते रहें, ठीक है। और कोई भी क्वेश्चन आपका हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर मैं पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड किया हूँ, यहाँ मेन फंक्शन लिखा हूँ, यहाँ पे जो सिंटैक्स होता है वो दिया हूँ, ठीक है। उसके बाद ये हमारा कोड है, तो आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं आपको पूरा कोड एक्सप्लेन क्या करूँ, यहाँ तो कोऑर्डिनेट्स ही बस लिखा हुआ है। तो ये कोऑर्डिनेट्स मैं फाइंड किया हूँ, मुझे बहुत टाइम लगा है, 1 से 2 घंटा लग गया। तो आपको भी टाइम लगेगा बनाने में, पर अगर आप ये सोर्स कोड चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं या वीडियो को पॉज कर करके आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, मैं इसे थोड़ा स्लो ही स्क्रॉल कर रहा हूँ ताकि आप सब कुछ देख सकें। मैं इसमें ज़्यादा फंक्शंस यूज़ नहीं किया हूँ, जो भी फंक्शंस यूज़ किया हो मैं उसे डिस्क्रिप्शन में लिख दूँगा। ऐसे मैं आपको रफली बता भी देता हूँ, इसमें रेक्टेंगल यूज़ हुआ है, रेक्टेंगल फंक्शन, लाइन फंक्शन यूज़ हुआ है, एलिप्स यूज़ किया हूँ कहीं कहीं पर आर्क ड्रॉ करने के लिए। उसके बाद मैं इसमें फ्लड फिल यूज़ किया हूँ कलर फिल करने के लिए, स्टाइल फिल करने के लिए सेट फिल स्टाइल किया हूँ, लाइन को हल्का मोटा दिखाने के लिए सेट लाइन स्टाइल यूज़ किया हूँ। बस इतने ही फंक्शंस हैं लगभग। फिर आउट टेक्स्ट फंक्शन यूज़ किया हूँ टेक्स्ट लिखने के लिए, और टेक्स्ट का स्टाइल देने के लिए सेट टेक्स्ट स्टाइल यूज़ किया हूँ। बस लगभग इतना ही फंक्शन है, और तो कुछ है नहीं इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या आपको ज़्यादा प्रॉब्लम अगर हो तो मुझसे इसका सोर्स कोड मांग सकते हैं ताकि आप सेम आउटपुट अपने स्क्रीन पर देख सकें। वैसे मैं कहूँगा आप खुद ट्राई करें ड्रॉ करने का ताकि आपका भी प्रैक्टिस हो जाए। देख सकते हैं यहाँ पे मैं सिंबल्स के लिए यहाँ पे टेक्स्ट का यूज़ किया हूँ, ये मैं तो हाईलाइट कर देता हूँ। यहाँ पाइपलाइन का यूज़ किया हूँ मैं, यहाँ शुरू में प्लस का यूज़ किया था, नीचे आपको दिख रहा होगा स्लैश का यूज़ किया हूँ कहीं कहीं पे टॉप ड्रॉ करने के लिए, और एक्सक्लेमेशन का यूज़ किया हूँ, और यहाँ पे लास्ट में मैं एक फॉर लूप लगाया था। फॉर लूप इसलिए ताकि मेरा कलर चेंज हो सके, ठीक है, ये दो टेक्स्ट में, और ये गेट सी एच क्लोज ग्राफ और रिटर्न जीरो, ठीक है। तो मैं इसे रन करके आपको दिखाता हूँ कंट्रोल F9 से, देखिएगा कितना सुंदर आउटपुट है। बहुत मेहनत से बनाया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, बिना लाइक के इस वीडियो को बंद मत करिएगा, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। तो होप आपको समझ में आया हो ये कोड, बहुत इजी कोड है, बस थोड़ा टाइम टेकिंग है क्योंकि कोऑर्डिनेट्स हमें फाइंड करना होता है। तो अच्छा लगा हो तो कमेंट करके आप बताएं मुझे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही था। अगर आप मेरे और भी वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट खोल सकते हैं C++ ग्राफिक्स का, या फिर यहाँ पे वॉच मोड पे क्लिक करके 2 वीडियोस मैं दिखा रहा हूँ इससे आप देख सकते हैं, और सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।